जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी 1857 यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। और इस पूरे टॉपिक्स को आज ही कवर करेंगे। तो कंप्लीट टॉपिक देखने के लिए और जानने के लिए बने रहिएगा इसी वीडियो में, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को प्रॉपरली देखिएगा और साथ में नोट्स को बनाइएगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज। 1857 का विद्रोह। सबसे पहले बता देता हूं 1857 का जो विद्रोह है के समय इंग्लैंड की महारानी जो थी वो कौन थी। तो विक्टोरिया जो थी वो इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी। सोच लीजिएगा 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो विक्टोरिया, जिसके पास कोहिनूर हीरा भी रहा है भारत का, और प्रधानमंत्री जो है वो पार्मस्टन थे, और गवर्नर जनरल थे वो थे भारत के लॉर्ड कैनिंग। हुआ क्या कि 1857 का जब विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई है, जिसमें नाना साहेब और अजीमुल्ला खान जो हैं वो दोनों ही शामिल थे। इसके बाद अजीमुल्ला खान लंदन गए और वहां रह रहे सभी भारतीयों का समर्थन भी प्राप्त किया। और 1857 का जो प्रतीक था वो क्या था, तो कमल का फूल था और साथ में रोटी थी। क्या था? कमल का फूल और रोटी जो थी वो इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। विद्रोहियों द्वारा हरे रंग के झंडों का भी जो है वो क्रांति के रूप में प्रयोग किया गया है। अब इसके स्वरूप क्या था, अनेक ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र और धर्मांतरों का जो है इनकी ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह भी मानते हैं कि ये अलग अलग प्रकार से हुए हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन भी माना जाता है कि ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था और भारत की स्वतंत्रता की जो है वो स्टार्टिंग जो हुई थी, तो उसके लिए पहली स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरू हुआ है। पूर्णतया राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था ये, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोगों को, लोग जो थे वो प्रेरित नहीं थे। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था ये, क्योंकि उसका उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश शासन को ही उखाड़ फेंकने का। ठीक है जी, तो राजनीतिक कारण क्या बना, मुगल सम्राटों के अधिकारों का हास्र, यानी कि जितने भी मुगल सम्राट थे उनके अधिकार जो भी ले रहे थे उनको वो ब्लॉक कर दे रहे थे ब्रिटिश जो थे। तो डलहौजी ने, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने 1856 के अवध के शासक वाजिद अली शाह को कुप्रशासन का भी आरोप लगाया और अंग्रेजी साम्राज्य में विलय भी किया था। अवध के नवाब अली शाह को कलकत्ता का भी निर्वासित जो है वो घोषित किया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया, यानी कि कोई भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता है, और राज्यों को हड़प लिया, जैसे सितारा का है, संभलपुर का है, जैतपुर, बदात, झांसी या उदयपुर। तो नाना साहेब को की जो है उन्होंने पेंशन भी बंद की थी, यही इसके राजनीतिक कारण थे। अगर आर्थिक कारण की बात करें तो भू राजस्व की नीति के कारण भी लोग अत्यधिक शोषण हो रहा था उनके ऊपर। तो आर्थिक स्थिति नीतियों के कारण भी अकाल और महामारी जैसी स्थिति पैदा हो चुकी थी, और सर्वाधिक लोगों की जो संख्या है या मृत्यु भी हो गई थी, बहुत से लोग उनकी डेथ हो गई थी, ये आर्थिक कारण हम समझ सकते हैं।
सामाजिक और धार्मिक कारण क्या हो सकता है 1857 की विद्रोह का? अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे, मतलब बड़ी बजाते थे इसका मतलब, और भारतीयों को नशीली गालियां भी देते थे, किसी पर पास बोल सकते हो नशीली या अश्लील जो भी है। और अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। ये एडवर्ड कहता था कि मैं चाहता हूं हर भारतीय को क्या बना दूं, ईसाई बना दूं। तो 1850 में लेक्स कोकी कानून यानी कि धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया था, ठीक है। इसके अनुसार हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे पैतृक उत्तराधिकारियों से वंचित नहीं किया जाएगा। पैतृक उत्तराधिकारी मतलब दादा की प्रॉपर्टी बाप को जाती है, तो बाप की प्रॉपर्टी किसको आती है, बेटे को आती है, तो उससे वंचित नहीं करेंगे अगर वो ईसाई धर्म अपना लेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट मतलब विद्रोह करने का जो है कारण बना था। तो सैनिक कारण की बात करें, अब सैनिकों में क्या, वो 238,000 भारतीय सैनिक थे, वो 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिनमें से भारतीय सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा थी। आप खुद ही देखिए 45 कहां 2,00,000। तो सैनिकों में बड़ा भारी असंतोष था और भेदभाव बहुत ज्यादा होता था, इस वजह से असंतोष था। तो 1854 में डाकघर सुविधा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई, यानी कि जो डाक थी पोस्ट थी तो वो निःशुल्क थी और उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये भी एक कारण रहा। और कैनिंग सरकार ने जो है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 को पारित किया, जिसमें सैनिकों में और ज्यादा जो है वो असंतोष फैल गया, जैसे कि अभी अग्निवीर का केस है, वो बच्चों में बहुत सा असंतोष है। तत्कालिक कारण, 1856 में भारत ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ट बंदूक की जगह न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए कहा था, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस थे जिसे दांत से जो है वो खींच कर फिर उसका यूज किया जाता था, यानी कि खींचना पड़ता था। तो सर्वप्रथम बंगाल में ये अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। किसकी है? गाय और सुअर की। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में ही बदल गया और बंगाल में स्थित दमदम के सैनिक कौन है कारतूस के प्रयोग करने से जो है वो मना कर दिया कि भाई हम नहीं यूज करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34 रेजिमेंट के एक सिपाही नाम है मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों को का जो है वो विरोध करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग को ही गोली मार दी, यानी कि जो अधिकारी था उसका क्या नाम था, एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी कर हत्या कर दी और सर्जेंट हयूरसन को भी उन्होंने गोली मार दी, यानी कि दो बंदे को उसने टपका डाला इसी गुस्से में। और मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 यानी कि आज के दिन 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और यही विरोध जो है वो विद्रोह के रूप में बदल गया था। क्लियर है जी। विद्रोह का प्रारंभ की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग की, तो 14 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में कुछ सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया था, तो परिणाम स्वरूप उनके ऊपर मुकदमा भी चला है, ठीक है। और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को
नौकरी से भी बर्खास्त, यानी कि उनको भी निकाल दिया, अगर तुमने यूज नहीं करना तो दफा हो जाओ यहां से, ये अंग्रेज कहते थे। और 10 मई 1857 को मेरठ में जो है फिर सैनिकों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर जो है अस्त्र शस्त्र की भी लूटपाट कर ली, यानी कि वहां से भी शस्त्र लूट लिए थे। अगर मैं दिल्ली की बात करूं 1857 के विद्रोह के समय की, तो मेरठ में सभी विद्रोही सैनिक जो है वो दिल्ली पहुंचे और यहां अंग्रेजी सेना को भी उन्होंने पराजित किया और दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना जो है सम्राट घोषित किया था। क्या कहा था? बहादुर शाह जफर को है उसने अपना सम्राट घोषित किया था विद्रोहियों ने। और स्तुंजा में हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना जो है वो दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित किया और फिर से अंग्रेजों ने जो है वो दिल्ली पर जो है क्या कर लिया, शासन कर लिया। और बहादुर शाह जफर यानी कि हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गया था, ठीक है, और बाद में उसको मृत्यु दंड न देने के शर्त में जो है उसने जो है भैया मेरे को मारना हुआ तो उसने आत्मसमर्पण करा दिया और रंगून उसको भेज दिया। कहां भेज दिया? रंगून, और जहां पर उसकी जो 62 में जो है वो मृत्यु हो गई थी। लखनऊ की बात करूं तो नेतृत्व किया था जी बादिश अली शाह की पत्नी हजरत महल ने, यानी कि बेगम थी उसकी, और इनकी देखरेख में वर्जिश कादर ने को अब्द का नवाब घोषित किया था। और ठुंजा में जो है कैंप बेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची और विद्रोहियों को वहां पर भी पराजित किया और लखनऊ पर भी उन्होंने अधिकार किया था। और हजरत महल की गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है फिर ये क्या हुई, नेपाल ही चली गई। और कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में जो है नाना साहेब थे और उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया और नाना साहेब की तरफ से लड़ने की जिम्मेवारी जो ली थी वो ली थी तांत्या टोपे, और वास्तविक तांत्या टोपे का क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। दिसंबर 1857 में कैंपल बेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से उसने जो है कानपुर पर अधिकार कर लिया था और नाना साहेब नेपाल भाग गई, जबकि तांत्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए और अंत में इनको भी फांसी दे दी गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनको भी फांसी दी गई थी। इसी प्रकार से झांसी की भी बात कर लेते हैं, तो झांसी में जो है नेतृत्व किसने किया था, विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने जो है, गंगाधर की थी ये राव की। और ठुंजा में जो है हयूरोज के युद्ध में हुआ था जिसमें गद्दारों के कारण जो है ये पराजित हुई और लक्ष्मी बाई जो है हयूरोज से युद्ध किया और लेकिन गद्दारों ने उसके कारण पराजित हुई। और झांसी की रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने जो है ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। नेक्स्ट आता है बिहार का है ये जगदीशपुर, तो यहां का नेतृत्व जो है वो जमींदार 80 वर्षीय थे बाबू कुंवर सिंह, उन्होंने किया था। इलाहाबाद की अगर बात करें तो यहां का जो है मौलवी लियाकत अली ने जो किया था नेतृत्व और खुद को जो है इलाहाबाद का सूबेदार भी घोषित किया था। फैजाबाद का नेतृत्व जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था और विद्रोही यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जेहाद का नारा और गुरिल्ला पद्धति, गुरिल्ला पता है आपको छुप कर यानी कि बार करना, ठीक है, तो ये शुरू की थी। तो ये इसका नेतृत्व है और दमन किया था, तो इन्हें आपने देखना है और इनको लर्न करने की कोशिश करनी है आपने। ये इसके वन लाइनर की फॉर्म में भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देखिए ये एक सैनिक विद्रोह था तो ये किसने कहा था, लॉरेंस शीले ने। धर्मांतरों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कौन सा था तो ये किसने कहा था, एल ई आर रीज। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, टी आर होम्स। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था,
ये किसने कहा था? तो आउट्रम ट्रेलर ने। ये भारत की स्वतंत्रता के लिए लादा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये किसने कहा था? वी डी सावरकर और अशोक मेहता ने। तो इस प्रकार से आपने ये देखने हैं, इन क्वेश्चंस को, नोट्स को बनाना है, ठीक है जी। ऐसे ही ये पूरे के पूरे आपने देखिएगा तो आपके बहुत से अच्छे से काम आएंगे। देखिए आगे बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सी बातें हैं। विद्रोह से पहले अजीमुल मुल्ला खान जो है लंदन और तुर्की गए थे और कुस्तुदिनिया मैं जो है उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार डब्ल्यू एच रसेल से हुई थी और बेगम हजरत महल के साथ जो है सिकंदर में वीरांगना उदा देवी से भी उन्होंने युद्ध किया था। तात्या टोपे को इतने को फांसी दे दी गई थी और ये विद्रोह की अंतिम घटना भी कही गई है। स्तुंजा में विद्रोह को के झंडा गीत की रचना हमीदुल्ला खान ने की थी और इस प्रकार था, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। तो ये उस वक्त की पंक्तियां हैं। और 1857 में राजस्थान में अजमेर नीमच आउबा आदि स्थलों पर जो है ये विद्रोह हुए थे और लेकिन जयपुर जो है विद्रोह का जो है वो केंद्र नहीं रहा है। तो ये है हमारा आज का 1857 की क्रांति के कारण जो कि मैंने सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक कारण बताए। तो ये थे आज का टॉपिक। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।